सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 का एकादश पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 11 पाठ जिसका नाम है अमृतवाणी संस्कृत भाषा। यहाँ पर संस्कृत भाषा जो अमृतवाणी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है इस पाठ के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 4 वेदों के बारे में, महाकाव्य के बारे में, खंड काव्य के बारे में, उपनिषद, योग शास्त्र, कादम्बरी और पुराण, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि जो सब चीज़ें होती हैं संस्कृत में, उनके बारे में यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। इसकी पहली लाइन है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषा की जो मुख्य धारा होती है वो संस्कृत होती है, जो दिव्य और मधुर कहलाती है। यहाँ पर पाठ शुरू होता है, भू छात्रा मतलब हे छात्रा, हे छात्रों, श्रावण मासस्य द्वादशीतः। श्रावण महीना जो होता है वो भादों के पश्चात आता है। भाद्र मासस्य तृतीया पर्यंतम संस्कृत सप्ताया भवति। भादों के महीने में तृतीया जो सप्ताह होता है उसके बाद शुरू हो जाता है श्रावण का महीना। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, आज श्रावण पूर्णिमा है, मतलब यहाँ पाठ में श्रावण पूर्णिमा के बारे में बताया गया है कि अद्य श्रावण पूर्णिमा अस्ति, आज श्रावण पूर्णिमा है। के भवन्तः जानन्ति, यहाँ पर शिक्षक छात्र को बता रहे हैं कि किम भवन्तः जानन्ति, क्या आप लोग जानते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। अद्य संस्कृत दिवसा अपि आयोज्यते, अद्य मतलब आज, संस्कृत दिवसा अपि आयोज्यते, आज हम संस्कृत दिवस का आयोजन कर रहे हैं। संस्कृत भाषा अति प्राचीन अस्ति, संस्कृत भाषा जो होती है बहुत ही प्राचीन भाषा है, ऐसा यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बच्चों को बताया जा रहा है। देवी प्रेरणा उत्पन्नः, यह देवताओं की प्रेरणा से उत्पन्न हुई है। अतः एवं भाषा देव भाषा इति कथ्यते, इसलिए इस भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधारः, संपूर्ण विश्व में इसमें आदि ज्ञान के बारे में बताया गया है। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि 4 वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम, महाकाव्य, खंड काव्य, इन सभी के बारे में दर्शाया गया है। तो क्रम अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला दिया है आधारः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मतलब पहली पंक्ति यहाँ पर दी गई है कि संस्कृत में 4 वेद होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद होते हैं। तथा शिक्षा कल्प ज्योतिषम छंदा, जो एक कल्प वृक्ष माना गया है, मतलब संस्कृत भाषा को कल्प वृक्ष के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। व्याकरणम निरुक्तम, इसको व्याकरण के रूप में भी निरुक्त किया गया है, निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है। षड वेदांगानी 6 वेद, अष्टोत्तर उपनिषद और 18 पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं। षड दर्शनानी 6 दर्शन होते हैं, अष्टादश पुराण, 18 पुराण होते हैं। तो यहाँ पर उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, वेद के बारे में, दर्शन के बारे में क्रमानुसार दिखाया गया है, दर्शाया गया है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि चिकित्सा नाट्य साहित्र शास्त्रादया, चिकित्सा पद्धति को भी नाटक के द्वारा दर्शाया जाता था। ग्रंथा च संस्कृत भाषा एवं लभ्यन्ते, इसमें बहुत सारे ग्रंथ दिए गए हैं संस्कृत भाषा में। च संस्कृत भाषा एवं लभ्यन्ते, जिससे हम आज लाभ पाते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत, पुरा मतलब पहले के समय में, प्राचीन समय में संस्कृत भाषा को एक जनभाषा के रूप में माना जाता था, मतलब हर व्यक्ति संस्कृत भाषा को बोलता था, उसके बारे में जानता था और अपने व्यवहार के अनुसार बातचीत करता था संस्कृत में। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति, परंतु आज के समय में ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, परंतु आज भी संस्कृत भाषा का प्रभाव है। संस्कृतस्य महत्वम विविधा कारणे अस्ति, यथा संस्कृत भाषा का महत्व विविध कारणों से, मतलब अलग अलग प्रकारों में निरूपित है, बताया गया है। जैसा पहले हमने
पढ़ें इसके बारे में कि पहला बताया गया है आध्यात्मिकम महत्वम, संस्कृत भाषा का आध्यात्मिक महत्व भी था। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगतगुरु आशीत, आध्यात्मिक ज्ञान को किसने बताया था? जगतगुरु शंकराचार्य ने बताया था। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेशु गूढ़ रहस्यानि देवी तत्वानि निहितानि, जो गूढ़ रहस्य में निहित है और देवी तत्व में निहित हैं। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तम वैदिशिका अभी भारतीय दर्शनस्य अध्ययनम कुर्वन्ती, इसको भारतीय लोग ही नहीं मतलब विदेशी लोग भी संस्कृत भाषा के महत्व को जानते थे और इसके भारतीय दर्शन को मतलब इसको पढ़ने के लिए भारत आते थे और इसका अध्ययन भी करते थे। फिर देखा जाए यहाँ पर दिया हुआ है सांस्कृतिक महत्वम, संस्कृत भाषा का सांस्कृतिक महत्व भी था। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थिता, मतलब ये बताया जाता था कि भारत की जो प्रतिष्ठा है वो दो भागों में विभाजित थी, एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति। मतलब ये हम कहें कि संस्कृत से ही हमारी संस्कृति है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तत्रापि संस्कृति संस्कृताश्रिता इति उच्यते, संस्कृत से ही हमारे देश की संस्कृति थी ऐसा कहा गया है। चत्वारा पुरुषार्था चत्वारा आश्रमा, इसमें चार पुरुषार्थ थे, चार आश्रम थे। षोडशा संस्कारा, 16 संस्कार की बात इसमें की गई थी। स्त्री क्षमाराध्या, स्त्री को भी समान रूप से आदर देना चाहिए, ये सब चीज़ें संस्कृत में हमें बताई जाती थी। सदाचार विचारा, सदाचार मतलब अच्छे विचारों को व्यक्ति से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे बोलना चाहिए, इसके बारे में बताया गया था। धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेशु, धर्म पुराण स्मृति और ग्रंथ इन सभी के बारे में संस्कृत भाषायाम एव प्रतिपदा, ये संस्कृत भाषा में प्रतिपादित था मतलब दिया गया था। फिर इसका तीसरा जो प्रकार है साहित्यिक महत्वम, साहित्य के हिसाब से भी इसका महत्व था। जैसे संस्कृत भाषा या आदि कवि वाल्मीकि, आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भारमीमांग, दंडी, भर्तृहरि, जय देवी दीवानाम, मतलब संस्कृत भाषा में बहुत सारे आदि कवि हुए हैं, प्राचीन कवि हुए हैं, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, कालिदास, भारमीमांग, दंडी और भर्तृहरि, ये महत्वपूर्ण कवि हुए हैं हमारे संस्कृत भाषा के। वैदिक के पूर्ण कवि नाम विश्व प्रसिद्धिया समृद्ध परंपरा अस्ति, ये कवि न केवल भारत में ही प्रसिद्ध थे बल्कि विदेशों में भी इनका नाम आदर और सत्कार से लिया जाता है। एतेषां कृतेषु, इनकी जो रचनाएं थीं, इनकी जो कृति थी, गद्य पद्य नाट्य काव्य गीति, इन्होंने गद्य गद्यांश पद्यांश के और नाटक के द्वारा अपनी कृति को बहुत ही प्रसिद्ध किया, विश्व में इसको फैलाया और इसका प्रचार प्रसार किया। नीति स्त्रोत कथा साहित्य भंडार दृश्यते, इनकी रचनाओं में नीति स्त्रोत और कथा साहित्य का भंडार हमें दृश्यते मतलब दिखाई देता है। फिर चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक महत्वम, संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व भी है, मतलब संस्कृत भाषा में भी हमारे बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे वो संस्कृत भाषा से प्रेरणा लेकर वैज्ञानिक बने, जैसा कि इसमें दिया है। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकाई, विज्ञान में विभिन्न क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक संस्कृत से प्रेरणा लेकर, जैसे कि पाणिनी, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, बराह मेहर, भास्कराचार्य, संस्कृत लिखता ग्रंथा, इन सभी ने संस्कृत में अपने ग्रंथ लिखे और विज्ञान के क्षेत्र को बताया, उसका प्रचार प्रसार किया। अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शन कुर्वन्ती, ये आज भी हमारे देश को और विदेशों को भी मार्गदर्शित करते रहते हैं। भाषा विज्ञान दृष्टिया, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, अपि सुदृढ़ सुबद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्य भाषाया उपयोगिता उद्घोषिता, इन्होंने व्याकरण की रचना की, इन्होंने ऐसी व्याकरण की रचना की थी जो हमें हिंदी में भी सहायक होती है और हमारे देश के साथ साथ वैज्ञानिक जो विदेशी वैज्ञानिक हैं वो भी इससे प्रेरणा लेकर कार्य करते हैं। जनन्या संस्कृत भाषाया प्रभावा,
इस भाषा का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अन्य वैदेशिक भाषाया अपि दृश्यते, इनमें अन्य भाषाओं का भी समावेश हमें दिखाई देता है। मतलब सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है। समस्त भारतीय भाषाणाम जनन्या संस्कृत भाषाया प्रभावा, सभी भाषाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। अन्य वैदिक भाषासु अपि दृश्यते, इसका सभी भाषाओं पर प्रभाव दिखाई देता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात, मतलब सभी भाषाओं का जो भंडार है वो संस्कृत भाषा है। आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे, मतलब आज के समय में जो विज्ञान का क्षेत्र है प्रगति कर रहा है वो केवल संस्कृत भाषा से प्रेरणा लेकर अपना ये कार्य कर रहा है। मतलब पहले के समय में भी वैज्ञानिक होते थे जिन्होंने नए नए शोध किए हैं, तो ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? ये सब प्रेरणा उसको सभी को संस्कृत भाषा से मिलती थी। पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव सहायं स्वीकृते, तो सभी ने ये माना है कि संस्कृत भाषा सभी की सहायता करने वाली भाषा है। ना केवलम एतानि कारणानि, ना केवल यह अपितु संस्कृत संपूर्ण राष्ट्रम एक सूत्रेण बंधनाति, ना केवल यह सभी की सहायता करती है बल्कि सभी को, सभी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है, एकता का ये नारा भी देती है। अस्या भाषाया ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम अस्ति, ये भाषा ना केवल ऐतिहासिक सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एतस्या महत्वम ज्ञात्वा इदानी सर्वकारः, इसका महत्व ना केवल हमारे भारतीय लोग मानते हैं अपितु विदेशी भी इसका महत्व को समझते हैं। अपि पुनः जनभाषा कर्तुम, इसलिए इसको पुनः जनभाषा का नाम दिया गया है। 1999 से 2000 वर्ष तक संस्कृत वर्षम इति उद्घोष्य, मतलब 1999 से 2000 तक इसको संस्कृत भाषा का संस्कृत वर्ष घोषित किया गया था। संस्कृतस्य प्रचार प्रसारे संलग्न अस्ति, और संस्कृत का प्रचार प्रसार में लोग संलग्न हुए थे, इसका प्रचार प्रसार किया गया था। भारते इदानि षोडश संस्कृत विश्वविद्यालय सन्ति, भारत में 16 प्रकार के संस्कृत भाषा के विश्वविद्यालय हैं। सर्वे प्रायः चिंतयति यत् संस्कृतम् कठिनम् इति, किन्तु वस्तुतः एषा सरला सुबोधजना अस्ति, सभी लोगों ने इसको कठिन माना परंतु इसको सरल और सुबोध बनाने के लिए भी कार्यरत रहे। अतः कर्नाटके मत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जना संस्कृतेन वदन्ति, आज भी मध्य प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है झीरी ग्राम, वहां पर संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया जाता है, संस्कृत भाषा में बोलचाल किया जाता है। और एक कर्नाटक का गांव है जिसका नाम है मत्तूर ग्रामे, वहां पर भी संस्कृत भाषा को बोला जाता है। अस्मा भी अभी संस्कृतम पठित्वा अस्या भाषाया प्रसाराय प्रयत्न करनीय, इसलिए आज हम सभी संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं। भाषाया प्रसाराय प्रयत्न करनीय, इसलिए हम सभी को संस्कृत भाषा का प्रयास और प्रयत्न करते रहना चाहिए, इस भाषा का प्रचार प्रसार करते रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर हम आपको ग्रुप पर भेज देंगे। धन्यवाद।